प्रदेश के रामपुर में कोरोना वायरस से बचाव को लेकर सैनिटाइजेशन का छिड़काव कर रहे युवक की कुछ युवकों द्वारा पिटाई कर दी गई। आरोप यह भी है कि मारपीट कर चार युवकों ने जबरन युवक के मुंह में कीटनाशक का छिड़काव किया। उपचार के दौरान युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर पर गांव निवासी एक युवक समेत उसके चार अन्य साथियों के खिलाफ गैर इदारतन हत्या के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की है। थाना भोट क्षेत्र के मुतियापुरा गांव निवासी हरिशंकर ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि बीते 14 अप्रैल को उसका भाई कुंवरपाल गांव निवासी हुल्लासी के साथ पेमपुर गांव में हाइकेन कीटनाशक का छिड़काव कर रहा था। इसी दौरान गांव निवासी इंद्रपाल के अचानक सामने आ जाने के कारण उसके ऊपर कीटनाशक के कुछ छींटे पड़ने से आक्रोशित इंद्रपाल ने अपने चार अन्य साथियों की मदद से उसकी पिटाई कर दी। साथ ही कुंवरपाल के मुंह पर जबरन कीटनाशक का छिड़काव कर दिया। बेहोश हालत में परिजन तथा ग्रामीणों ने युवक को बिलासपुर स्थित एक चिकित्सक को दिखाया तथा हालात गंभीर होने पर मुरादाबाद स्थित एक मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना पर उसके घर में कोहराम मच गया। शुक्रवार देर शाम मृतक के परिजन शव को लेकर थाने पहुंचे व आरोपियों के खिलाफ तहरीर थाना पुलिस को दी गई। वहीं इस मामले में एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह ने बताया कि मृतक के भाई की तहरीर पर आरोपी युवक व उसके चार अन्य साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवाया गया है। इस मामले में जानकारी प्राप्त हुई है कि गांव में सैनिटाइजर कर रहे युवक की हालत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जिसमें उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं परिवार के कुछ लोग गाँव के ही कुछ लोगों पर जबरन कीटनाशक दवाई पिलाने की बात कह रहे हैं, जिस पर अभी भी जांच की जा रही है। रामपुर से संवाददाता रवि सैनी की रिपोर्ट। ये बताओ, तुम्हारे भाई की जो दवाई जो है जबरदस्ती पिला के हत्या की गई है, क्या है मामला पूरा और किन किन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है? पूरी बात, अभी तो नाम एक ही है, इंद्रपाल। बाकी अज्ञात है, बाकी चार अज्ञात है, इंद्रपाल सनोप, राम भरोसे। कोई झगड़ा हुआ था इनमें आपस में? क्या, कोई जाति दुश्मन नहीं, कोई झगड़ा नहीं पहले कभी का, ना किसी तरीके की कोई बात। फिर पता नहीं इतनी सी बातों से ऐसा गुस्सा क्यों आया, जिसने जैसे नाक में और मुंह में पूरा प्रेशर बहा के दवाई भर दी। हाँ, उपचार के दौरान मौत हो गई उनकी। हाँ, अब इसमें कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है? एफआईआर तो साहब पांच लोगों के खिलाफ ही है। हाँ, चार अज्ञात हैं, एक अंदर जिसका नाम का पता, उसका नाम लिखवा दे, जिनका नाम का नहीं। हाँ, वो नहीं, मुझे बाकी के नाम का पता नहीं है, बाकी तो खुद उगलेगा। अभी पुलिस ने पकड़ा उसको? नहीं, अभी नहीं पकड़ा। मुकदमा दर्ज हो गया पांच के खिलाफ। हाँ, ठीक। प्रधान का बाप भाई बुला के ले गया था जब्बार। हाँ, नवाब का भाई था जब्बार। कौन से गांव का मामला है, कहाँ की घटना है? पेमपुर थाना बोर्ड। हाँ, पूरी बात बताओ, नाम बता के अपना, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रमेश कुमार। पूरी बात बताओ, क्या हुआ था, कैसे घटना हुई थी? ये दवा छिड़कने के लिए गए थे, पेमपुर गाँव पड़ता है बराबर में, गाँव में सैनिटाइजर की जी, उसकी मच्छरों वाली। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। फिर इसका था थोड़ा सा दवा छिड़क, इसने एक टंकी दवा भरी, इसने कुंवरपाल ने दवा भरने के बाद में टंकी लेकर निकल गए, गांव में गलियों में दवा छिड़क रहे थे, छिड़कते एक के घर पहुंचे, क्या नाम था उसको, इंद्रपाल के, उसके घर पर पहुँच के थोड़ा सा बच्चे के छींट चली गई या इंद्रपाल के गई। इंद्रपाल ने क्या काम करा, वही मोटर की मशीन होती है, उसने उसकी नाक पे लगा के वो मशीन चला दी। अच्छा। चार पांच लोगों के और साथ में मिलकर, मतलब इतना गुस्सा आया उसको? हाँ, इतना गुस्सा आ गया उसको। फिर क्या हुआ, सर वहीं दुकान पे ले गए, इसी के द्वारा वो छोड़ के भाग के घर से, घर से छोड़ के भाग गए, दूसरे आदमी उठा के उसे दुकान पे ले गए, वहाँ दो बोतलें चढ़ाई, उसके वहीं बेहोश हो गया। उसके बाद में बिलासपुर ले गए, वहाँ उस डॉक्टर ने बिलासपुर में केवी सिंह के पास ले गए, रेफर कर दिया टीएमयू को, वहाँ मौत हो गई कल। तो अब इसमें मुकदमा लिख गया? मुकदमा हाँ जी लिख गया। किस किस के खिलाफ लिखा है? इंद्रपाल और चार अज्ञात हैं। अच्छा जी, मर्डर करने के मामले में लिखा है? हाँ, मर्डर करने का मामला। किसने लिखवाया है मुकदमा, किसने लिखवाया है? भाई ने। थाने का पेमपुर गाँव है, वहाँ ग्राम पंचायत की ओर से सैनिटाइजेशन के काम में किसी युवक को इन्वॉल्व किया गया था, उसकी तबीयत खराब हुई
बिलासपुर अस्पताल किसी डॉक्टर के यहाँ हो गए, वहाँ से उन्होंने रिफर कर दिया। TMA मुरादाबाद गए जहाँ उनकी डेथ हो गई। परिजन अस्पताल से डेड बॉडी लेके आए थे, उन्होंने एक तहरीर दी, उस तहरीर के आधार पर पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्यवाही हो रही है। जो तथ्य इसमें विवेचना से सामने आएंगे उस आधार पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। कौन से थाने का मामला है? थाना भोग। सर, परिवार के लोग कह रहे थे, क्या कहते हैं, उसको जबरदस्ती वहाँ गिरा के उस पर सैनिटाइजर किया गया। देखिए, मैंने बताया कि ये चीज़ें सैनिटाइजेशन भी एक तरह से ये टेक्निकल काम है। जो सैनिटाइजेशन करने गया था उसमें जो सैनिटाइजर यूज होना चाहिए, किस परसेंट से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे हुआ, ये सारा सब विवेचना का विषय है। मैंने बताया ना कि परिवार को जो कहना था उन्होंने कह दिया, उस पर हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया है। लेकिन जो तथ्य सामने आएंगे, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, विवेचना से जो बातें समझ में आएंगी, उसके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.